सो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। का स्वागत है गाइज एक नई वीडियो में। गाइज आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो एंथ टर्म फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है और उसमें एक एक जो टर्म्स या फिर जो वेरिएबल्स है उसका क्या मतलब होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग अभी इस जो वीडियो है इसमें समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके सो गाइज, मैं सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। सो फॉर्मूला ये टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ना। इस ना ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो हमने एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। तो समझो एग्जांपल इसमें फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन, ठीक है, और ऐसा करके कुछ टर्म्स है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये फोर मेरा क्या है, टी वन जो है वो मेरा क्या है यहाँ पे फोर, ठीक है। वैसे टी टू जो है वो क्या है मेरा एट है, टी थ्री जो है वो मेरा क्या है यहाँ पे ट्वेल्व, एंड टी फोर जो है वो यहाँ पे क्या है 16 है, ठीक है ना। ना ये जो टर्म्स है, ठीक है, इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो ये टर्म्स जो है इसके अंदर की जो वैल्यू है इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मेरे को पोजिशन बतानी है, क्या बतानी है मेरे को, पोजिशन बतानी है, ठीक है। सो टी ये जो फोर है इसकी पोजिशन क्या है, इसकी पोजिशन है वन। तो यहाँ पर एन एन जो है ना वो बताता है पोजिशन, कौन बताता है पोजिशन, देखो टी जो है वो टर्म बताता है और एन जो है वो क्या बताता है, पोजीशन बताता है, ठीक है। तो एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा टू, यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा थ्री, यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा फोर। ना ये जो एन है ये बताता है उसकी पोजीशन की, फर्स्ट पोजीशन पे है ये, सेकेंड पोजीशन पे है ये, थर्ड पोजीशन पे ये, फोर्थ पोजीशन पे है ये। ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एन है, ठीक है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ से आई हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी है, इससे भी हमको पता चलता है कि इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो टी वन मतलब फर्स्ट पोजीशन, टी टू मतलब सेकंड पोजीशन, टी थ्री मतलब थर्ड पोजीशन, टी फोर मतलब फोर्थ पोजीशन। मतलब ये भी बेसिकली क्या है, ये एन की वैल्यू ही है यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला है जो हम लोग टर्म ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्मूला को मैं आपको रिकॉल करता हूँ वापस। तो टी वन इज इक्वल्स हम लोग लिखते हैं ए, टी टू इज इक्वल्स हम लोग लिखते हैं ए प्लस डी, टी थ्री जो है हम लोग लिखते हैं ए प्लस टू डी, और टी फोर हम लोग लिखते हैं समझो कि ए प्लस थ्री डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट एक एक्सरसाइज में और सॉल्व एग्जांपल में उन्होंने यूज़ किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इसके पहले की वीडियो से वो देख लेना ताकि समझ में आए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है ना। नाउ इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ये जो एन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, मान लो ये जो हमारा एन है इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो मैं टी वन को क्या लिखूंगा ना, टी वन को मैं लिखूंगा ए प्लस एन जो है, एन यहाँ पे वन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये वन, ठीक है। सो वन माइनस वन इंटू डी, ना वन माइनस वन क्यों, बिकॉज डी यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वन माइनस वन होगा तभी तो जीरो होगा। तो ये आएगा क्या आएगा, ये ए प्लस जीरो, ठीक है, दैट इज़ ए, ठीक है ना। तो यहाँ से ए आया टी वन इज इक्वल्स टू ए। वैसे अगर मैं टी टू लिखूँ, ठीक है, देखो याद रखना हमको ये फॉर्मूला तो है ही, लेकिन इसको ये वाला जो पार्ट है इसको मेरे को एन के फॉर्म में लिखना है, यानी ये आना चाहिए नंबर यहाँ पे। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, टू माइनस वन और इंटू डी लिखूँगा मैं, ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा ए प्लस टू माइनस वन डी, मतलब क्या हो जाएगा वन डी, समझ में आया। तो देखो ये आया कहीं ना कहीं वन डी, समझ में आया। वैसे टी थ्री अगर मैं बोलूँगा तो क्या आएगा ए प्लस, ना ये एन क्या है थ्री, सो मेरे को थ्री के फॉर्म में, सो थ्री माइनस वन लिखूंगा तो डी आएगा, बिकॉज टू डी चाहिए ना हमको, तो थ्री माइनस भी वन करना पड़ेगा, तो ये आएगा ए प्लस टू डी, ठीक है। वैसे टी फोर का अगर मुझे लिखना तो क्या लिखूंगा, ए प्लस फोर माइनस वन, फोर क्यों, बिकॉज यहाँ पे फोर है, ठीक है। इसके फॉर्मेट में को एन का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके लिखना है इसको, यूज थ्री, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस थ्री डी। ना आप देखोगे कहीं ना कहीं कि मैंने ये जो वैल्यू है वो उसको यहाँ पे यूज़ किया है, माइनस वन इज इक्वल टू डी। ना वैसे अगर समझो ऐसा करते जाए हम लोग और एंथ पोजीशन पे एक टर्म है, ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये देखो ए सब में सेम है तो यहाँ पे भी ए आएगा, बीच में सब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर ये डिपेंड करता है इस पोजीशन पे, ठीक है ना। इसकी पोजीशन क्या है पता नहीं, एन है, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ। ना यहाँ पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, सबका माइनस वन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस वन इंटू ब्रैकेट में के बाद क्या, सबके बाद क्या है डी। तो इस तरह से कोई भी पोजीशन पे अगर मुझे टर्म ढूंढना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला बन गया। देखो ये फॉर्मूला जो हमको समझना था ना कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। ना इस फॉर्मूला का क्या फ़ायदा, ठीक है, अगर मुझे अगर ढूंढना है यहाँ पे कि जैसे कि ये टर्म अगर मैं आगे चलते जाए जैसे टेंथ पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, मैं पोजीशन बोल रहा हूँ, ठीक है, एन की वैल्यू बता रहा हूँ कि जहाँ पे एन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, टेन रहेगा, वहाँ पे जो टर्म है टी एन उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की क्या रहेगी। ना ये आप देखोगे कि फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ये फोर का टेबल है, ठीक है, तो टेंथ पोजीशन यानी फोर टेन सा फोर्टी, तो बेसिकली फोर्टी है, लेकिन ये हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हमारा, तो फॉर्मूला टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी ना मैंने बोला टेंथ पोजीशन, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, और कौन सा टर्म टी 10 जो है हमको ढूंढना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू जहाँ पे रहेगी वहाँ पे 10 लिखना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा टी 10 इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है अपने को पता है, ए क्या अपना यहाँ पे देखो ए इज 4 है ना, फर्स्ट टर्म जो है उसको ए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना सब में, 4 + 4 8, 8 + 4 = 12, तो 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, ठीक है ना। ये डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्होंने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, आई होप आपको उतना पता है, नहीं देखे वो वीडियोस पहले वो देख लो फिर यहाँ पे शुरू हो गए। सुना ये आएगा 4 + 10 - 1 = 9 इंटू 4, ना ये हो जाएगा 4 + 9 = 36, ना 4 + 36 = 40। सो जो टी 10 यानी जो 10th टर्म है वो हमको क्या आया, 40 आया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी टर्म डायरेक्टली जो है ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला अगर हमको दिया है, ठीक है, इसमें किस तरह के सम्स आ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या पूछा जा सकता है, तो ये सब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी। ना यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या क्या है यहाँ पे, ना यहाँ पे वेरिएबल्स आप देखोगे तो एक तो है टी एन, ठीक है, दूसरा है ए, तीसरा है एन, और चौथा है डी। तो इन चारों में से, ठीक है, कोई भी तीन दिया रहेगा, गिवन कितना रहेगा, कोई भी तीन जो है आपको दिया रहेगा, और फाइंड कितना करना पड़ेगा आपको, नॉर्मली आपको एक इन तीनों में से, चारों में से कोई तीन दिया रहेगा और कोई एक फाइंड आउट करना है। और फाइंड कैसे करना है, बेसिकली इस फॉर्मूला में डालना है सबकी वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़ डाल के फिर आपको खाली शिफ्ट करना है, सॉल्व करना है, तो आपको जो नहीं दिया हुआ है या जो ढूंढना है वो मिल जाएगा। इसमें सिर्फ डिफिकल्टी यही होती है कि एंथ टर्म में दिया हुआ है या उसकी पोजीशन दी है, टर्म कब दिया है और पोजीशन कब दी है, इसका लाइक जो ग्रामर है या जो इंग्लिश है ये अगर आपको समझ गया ना, तो ये सम इस कैटेगरी के सम्स काफ़ी इजी हो जाते हैं। खाली आपको फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालनी है एंड देन इसको सॉल्व करना है ना। कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, तो वो वीडियो देखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आई हो, ठीक है, और ये फॉर्मूला समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर कोई भी डाउट वगैरह है या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर जल्द से जल्द ट्राई करूंगा एक नया वीडियो बनाने का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज़ क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और ये जो वीडियो है और भी लोगों को देखने के लिए मिले, और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें या कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।